दिया पांडवों ने, एक साल का अज्ञातवास राजा विराट के यहां पर रहते। और एक रोज का जिक्र है, जब वो दिन पूरे होने वाले थे तो दुर्योधन ने उनके पीछे गुप्तचर तो लगा रखे थे, सोचा कि भाई तो कुछ काम चलेगा नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो कितने मर के गड़ गए होंगे। अस्तनापुर के दरबार में सब कौरव जिक्र करें थे, अरे कित गए, पांडवों को कड़वी नजर से देखता। लोग तो कहते हैं, देखना एक तरफ तो ये गुण है उनके, लेकिन कौरव ना गुण मान्या कर दे। कड़वा बोल द्रौपदी का था, काटे की जरूरत क्या करता, नकुल घमंडी बात बात पर तेल आग पर छिड़क्या करता, सहदेव जुआ खेलन में सब कुण बेना झटक्या। भीमसेन की गदा देख के महाराज कालजा धक्या करता, अर्जुन का गांडीवी सा बिजली की जू खिड़क्या करता, धर्मपुत्र की शांत आत्मा क्रोध कदेना भड़क्या करता। बंद वचना में पेश चलीना, मारिया के कोई दाल गलीना, अरे कोई चतुराणी कोई चतुराई चरण मिलीना, जुए की बाजी हार में वो दुख के सांस भरे थे, अस्तनापुर के दरबार में सब कौरव जिक्र करे थे। खुशी बनाते कि वह कितने मर के गड़ गए होंगे। दुर्योधन कहता है कि भाई तो जमा चाले पाटे, फिर हसकत बोलिया दुर्योधन, सारे काम सुधारे हो गए, उन सत की बाजी हारी, मारे जीत में पाड़े हो गए, और हमने ऐसा काम कराया, हम तो दंदौलत आड़े हो गए। फिर मामा सुपनी नू बोला, सारे काम कुडाले हो गए, रात रात ने खत्म अचानक विराट भूत के साड़े हो गए, किस तरिया में बात बताऊं, सारे सब काम कुडाले हो गए, जो सब राजा करण क्या करते, देख देख दर दर क्या करते, जो अरमानस करण क्या करते, ना रहे किचक संसार में, जो ना बन भी मरे थे, अस्तनापुर के दरबार में सब कौरव जिक्र करते। दुर्योधन कहता कि पता लगाओ, फिर तोड़े पाओगे। सजनो गुप्तचर वहां पर चले जाते लेकिन पता नहीं लगता, और वो ब्रह्मा के विष में अर्जुन उन गवों को छुटा कर ले जाता है, सारा श्री लड़के उतरा कवर को दे देता है, और जाके जब कहा कि अब तो दिन पूरे हो गए, अब अपना हक मांगेंगे, दुर्योधन मना कर देता है, कटी कटी सुनाता है। दिन ऐसा आ जाता है कि वह दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाता, वो दिन भी आ गया जब युद्ध का दिन था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले धर्म युधिष्ठिर अपना धर्म निभाते हुए, देखना दो बात लगती, धर्म युधिष्ठिर लगता उसके सामने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्यवाद सत्य बोलता था, लेकिन युधिष्ठिर ने सत्य नहीं बोले ना तो सत्यवादी भी लगता, धर्म नहीं आ रहा इसलिए धर्म युधिष्ठिर। क्यों, जब द्रोणाचार्य मरिया तो उसने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया कि हाँ नर नहीं गुंजर, लेकिन आड कर गया उसमें याड़े, तो उसका दीन भ्रष्ट हो गया, धर्म ने भाया, श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर सभा में भेजा, और दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखता है, न बोला अब पांच गांव मांगे पांडव, और ये पांच गांव उन तो दे दे। दुर्योधन हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बीच में लंगड़ी टांगाड़ा सुगनी आ गया, न बोला रे छोरे तने बेरा नहीं उस आखर छलिया है बेटे, यू पांच गांव नू ना मांगता, बुराना दे दे, बड़ोता दे दे, गोरी प्रमोड़ दे दे, संपत दे दे, बालगढ़ दे दे, ना नू ना मांगता, यू के और क्यों करे, यू नू मांगे है सोनप्रस्थ सोनीपत की धरती, जितनी सोने की खान है वो सारी पांडवों की, पानीप्रस्थ पान प्रस्थ जिसको पानीपत बोलते, जितनी पानी का एरिया है, जहां पर जल है, खेती लायक भूमि है, वह सारी पांडवों की, अंबाड़ा कर्ण प्रस्थ करनाल की भूमि, जहां पर बाग बाड़ी होती थी, अमरूदीन के बाग होते थे सारी चीजों के, वह पांडवों की, इंद्र प्रस्थ दिल्ली नबला सारी पांडवों की,
अरे ये सौदे मांगा बेटे तने के विरायु कितना बड़ा छड़िया वही सब हम आदेश दिया नुबलारे इस गवाले को पकड़ लो इस बंदी बना लो। फिर शकुनी ने कहा नुबलारा मन बे राजा चक्कर चला दिया अड़े नाश कर देगा। सजनो श्री कृष्ण भगवान ने एक उपदेश दिया है, एक तो उपदेश दिया गीता का अर्जुन को सब नबेरा, लेकिन एक उपदेश धर्म निभाते हुए दुर्योधन को भी दिया था। बोला रे नाश होने दे बचास का, तू गौर करिए क्या कहता उस दुर्योधन को। और वो उपदेश हम गृहस्थियों के लिए है, जिसमें जो ऐब हो वो छोड़ दियो, मारे में भी हो सके। बोला ईशा मानस नहीं बचा करता क्या। बोला रे करते हे ओ रखरे आदमी तमू पे कह दे कदे तड़ा नहीं करते वार्ता नहीं दूंगा गारंटी ही। ये पूरी सुनिए इसमें एक भी कली में वार्ता दे दूं क्यों करें। अरे इज्जत आप इज्जत दर्व धन मिलता कर्मा के बटे ते घरबारी का धर्म घट से मंगते के नाके ते गृहस्थी जीवन सफल हो जा अतिथि दाते ते अरे कुल की आवे बिगड़ जा लोगो कुल पे के पते ते कदे फड़ा नहीं करते रे खरे यार बंदे
सोची थी। तीनों चीजी खसम तन बगड़े, तीनों चीजी खसम तन बगड़े, धरती बीरर घोड़ी दुनिया के माँ सजती गोरा कागयन सकी जोड़ी। अपनी आप बताई करते उनकी इज्जत थोड़ी, अरे तेरे बोला की सैल गनी जुगन के साथ अथोड़ी। पकड़ हरफ की मलक दगा करे प्यारे पे, यो नीम ले सरफ की बात करनिया मानस देखे अर्दम बात नरक की। रव पांडव लोग बटाई करते दुर्योधन तेरे तरफ की, बरफ की दरिया पत्थर सला बरफ की दरिया कदे कलया नहीं करते रे। किसे की जिनस महंगी बकजा कोई रोवे मंदे में, बड़े बड़े का नाश करा दिया माया के फंदे में। कहे नंदलाल वो ईश्वर दो नेत्र